एक समय की बात है, श्री पीपाजी जो है राजा सूरसेन मल के यहां घर में कुटिया में सीता सहचरी जी ही थी और साधुओं की जमात आ गई। अब साधुओं की जमात आ गई, कीर्तन करते रहे, भाई भक्तराज कहां है, प्रसाद पाना है, कहां है भक्तराज, कहां है ठाकुर सेवा होनी है। अब सीता सहचरी जी ने मन में विचार किया कि स्वामी जी तो है नहीं और कब लौटेंगे पता नहीं, दोपहर का समय है, साधु महापुरुष पधारे हैं, इनका सेवा प्रसाद होना चाहिए, तो इनकी सेवा के लिए आपने कहा कि आप सब यहां बगीचे में बिराजिए, मैं कुछ प्रबंध करती हूं। एक बनिए के पास गई कि उधार कुछ सामग्री राशन पानी दे दो ताकि हम साधुओं की सेवा कर लें। वह वैश्य वणिक जो था जिसके यहां लेने गई, वो विषयी व्यक्ति था, इनकी सुंदरता को देख करके उसके मन में विकार आ गया। उसने कहा कि यदि तुम अपनी सुंदरता मुझ पर न्योछावर करो तो मैं तुम्हें बदले में धन दे दूंगा। इन्होंने मन में विचार किया कि आखिर एक दिन इस शरीर को नष्ट हो जाना है, आखिर ये शरीर किस काम आएगा, यदि इस शरीर से साधु सेवा हो रही है तो कोई बात नहीं, मेरे को भले ही कुछ करना पड़े पर साधुओं की सेवा नहीं छूटना चाहिए। कि विषयी वणिक को देख के बुलाई लई, दई सब सोच कही सही निस आये, कि भोजन करत मांझो पीपाजू पधारे, पूछी बारे तन प्राण जब कही के सुनाइए। प्रियादास जी कह रहे हैं कि वहां से राशन सामग्री लेकर आई, सुंदर रसोई बनाई, ठाकुर का भोग लगा, संतों को प्रसाद पवा रही थी, उसी समय पीपाजी पधारे। देवी कुटिया में तो कुछ था नहीं, इतने महात्माओं का भोजन प्रबंध कहां से किया सामग्री, तो सारी बात सांची सांची कह दी कि मैं अमुक बनिया के यहां सामग्री के लिए गई थी और उसने ऐसा ऐसा मुझसे शर्त रखी है और मेरे को यह सामग्री दे दी। पीपाजी बोले, देवी तुमने बहुत अच्छा किया, अंतोगत्वा यह देह तो नष्ट होनी ही है पर इस देह के द्वारा साधु सेवा हो रही है, ऐसी संत सेवा की निष्ठा, देखो अब तुम्हें अपनी बात झूठी नहीं करना है, तुम उसको वचन देकर आई हो कि मैं लौट कर आऊंगी तो तुम्हें लौट के जाना चाहिए। संत प्रसाद पाके चले गए, संध्या का समय हुआ तो पीपाजी देखे कि बरसात हो रही है, अब बरसा हो रही है तो कैसे अकेली जाएंगी रात्रि में, तो पीपाजी स्वयं लेकर के सीता सहचरी जी को उस वणिक के यहां पहुंच गए और द्वार पर उतार दिया। सीता सहचरी अंदर गई, उस वणिक ने देखा कि आई, लेकिन इनकी भक्ति का प्रभाव इतना था कि उस वणिक की दृष्टि इनके मुख पर नहीं पड़ी, इनके चरणों पर पड़ी। उसने देखा कि इतनी बारिश के समय में इनके पैर गंदे नहीं हुए, गीले नहीं हुए, सूखे पैर हैं। पूछा, माता, अब उसका भाव बदल गया, माता कहने लग गया कि माता ये तो बताओ कि आखिर तुम्हारे पैर सूखे हैं कैसे चली आई, कि सूखे पागे माता कैसे करे के आई हो, कैसे चली आई, कि हाट पे उतारी दई द्वारे आप बैठे रहे, कहे सूखे पागे माता कैसे करे आई हो, कि स्वामी जी लेवाए लाए कहां है निहारी जाए, आए पाए पैरियो डरियो राखो सुखदाई हो। आपने कहा कि मेरे स्वामी जी आए हैं और वही मुझे कंधे पर बिठाकर लाए हैं, बरसाती कीचड़ थी तो मुझे कंधे पर बिठाकर आपके यहां लाए हैं। अब वो डर गया, बाहर जाकर देखा तो पीपाजी बैठे। पीपाजी ने कहा, बिल्कुल मत डरो, तुम अपना काम करो, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुमने बड़ी हमारे ऊपर कृपा की कि बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी धरोहर के इतना धन दे दिया ताकि हमारी साधु सेवा संपन्न हो गई। अब कोई चिंता वाली बात नहीं है कि मानो निज संक काज कीजिए निसंक, धन दियो में अंग जाप लरे मरे भाई है। जिस धन के लिए भाई भाई लड़के मर जाते, जिस धन को कोई एक छदाम किसी को नहीं देना चाहता, वो धन तुमने हमें साधु सेवा के लिए दे दिया, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम्हें जो उचित लगे सो करो। कि मरियो लाज भार चाहे धरो भूमि फार, द्रग वह निरधार देखे दई दीक्षा पाई है। वो सेठ इतना ज्यादा गलित हो गया, लज्जित हो गया कि मैंने ये क्या कह दिया था, उसको लगता है कि भूमि फट जाए
और धारो भूमि फारद्रग वह नीर धारो, बार बार आंसुओं की धारा बह रही है और लगता है पृथ्वी फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं, सामने खड़ा होने का साहस नहीं हो रहा है, अपनी भूल का पश्चाताप कर रहा है। पीपा जी ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। और दीक्षा मंत्र उसने फिर स्वामी जी से ग्रहण किया और वह बड़क भी खूब भगवत भक्त होकर के पीपा जी का सत्संग करके भगवान की भक्ति में लग गया। आपके दर्शन मात्र से उसका विषय विकार सब छूट गया और भक्ति भाव में लग गया। अब इस घटना की चर्चा सब जगह होने लगी। अरे बताओ, इतने बड़े भक्त बनते हैं, अपनी स्त्री को लेकर के अमुक जगह पहुंच गए। तो ये बात राजा सूरसेन मल तक पहुंची। राजा के मन में कुभाव आ गया, अरे मैंने इतना श्रद्धा रखी, गुरुजी बनाए और ये तो इस प्रकार के आचरण कर रहे हैं। जब श्रद्धा कम हुई तो आपने राजा के पास जाकर के कहा कि राजन, तुमने राजा के पास आप गए तो राजा के पास जब गए तो दरवाजे पर द्वारपालों ने रोक लिया। द्वारपालों से कहा कि जाओ कह दो कि पीपा जी आए हैं। राजा ने अंदर से समाचार भिजवाया कि अभी पूजा कर रहे हैं, पूजा पूरी हो जाएगी तब मिलेंगे। आप मुस्कुराकर द्वारपाल से कहे कि कहो पूजा कर रहे हो कि चर्मकार के यहां जूतियां बनवाने गए हो। अब राजा था तो अंदर, लेकिन वो मन में ये विचार कर रहा था कि मुझे चर्मकार के यहां जाकर के जूतियां बनवानी है, वो उसके मन में चल रहा था, गया नहीं था। ऐसे ही गुरुजी से कह दिया कि पूजा कर रहे हैं। द्वारपाल ने जाकर कहा कि पीपा जी ने ऐसा कहा है, तो उसको अपनी भूल का भान हो गया कि मैं मन में क्या सोच रहा हूं, ये बात गुरुजी ने विचार कर ली और गुरुजी ने वह बात बतला दी कि इस समय मैं क्या सोच रहा हूं। फिर तो आप जो है बार बार गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा मांगी और खूब संत सेवा, खूब गुरुजी की सेवा की। इस प्रकार आप जो है पीपा जी संत सेवा में लगे रहते थे। एक समय की बात है, कुछ दुष्ट लोग, कामी लोग, चोर लोग जो है साधु संतों का रूप बना करके, भेष बदल करके और तिलक चंदन धारण माला धारण करके आप यहां आ गए और कहा कि हमारी सेवा करो। क्या सेवा करें, बोले रसोई प्रसाद पाएंगे। प्रसाद तो पवाया लेकिन उनकी दृष्टि में खोट था, क्योंकि वो तो चोर थे, वो तो आए थे अन्य प्रयोजनों से। लेकिन जब आपका संग मिला तो आप विचार करिए, जिनके संग से सिंह की वृत्ति बदल गई हो, मनुष्य की वृत्ति बदलने में क्या है। वो चोर और ठग भी साधु बनकर आए और पीपा जी जान गए कि ये ठग हैं, लेकिन साधु भेष में तो हैं। हमारे यहां ऐसा कहा जाता है कि भेष मात्र की पूजा होती है। निष्ठा तो सच्चे संतों में हो, लेकिन भेषधारी भी कोई हो, केवल भेष बना रखा है, वह भी वंदनीय है, क्योंकि वो संत का भेष है। तो संत भेष को देखकर पीपा जी ने खूब सेवा की और उनका वो प्रसाद ग्रहण करने से, उनका दर्शन करने से चोरों की वृत्ति बदल गई, चरणों में गिर गए और बार बार रोते रोते क्षमा मांगी और सबने दीक्षा लेकर के पीपा जी के शिष्य बन गए। बोले श्री पीपा जी महाराज की। एक और घटना पीपा जी की सुना दें, उसके बाद हम लोग आगे के चरित्रों में चलेंगे। एक बड़ी दिव्य और सुंदर घटना पीपा जी के जीवन की है। एक बार पीपा जी स्नान करने के लिए गए तो वहां उन्होंने नदी के घाट पर क्या देखा कि स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए तमाम घड़े रखे हुए हैं। तमाम स्वर्ण मुद्राओं के घट जो है नदी किनारे एक जगह पर गड्ढे में रखे हुए हैं। आपने देख करके भी उधर ना तो कोई मन हुआ ना आसक्ति हुई, आपको क्या प्रयोजन, आ गए। अब दिन तो भजन में बीत गया तो चर्चा नहीं हो पाई। रात्रि के समय अपनी पत्नी सीता सहचरी जी को कुटिया में कह रहे थे, देवी आज अमुक घाट पर मैं स्नान करने गया तो वहां स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए तमाम घड़े रखे हुए थे। अच्छा, संयोग से उसी दिन आपके यहां चोर आए चोरी करने और पीछे छुपे हुए थे चोर के, ये लोग सो जाएंगे तो हम चोरी करेंगे। वो इनकी बातें सुन रहे थे तो पीपा जी कह रहे थे कि तमाम घड़े स्वर्ण से भरे हुए वहां रखे हैं।
सीता सहचरी जी ने कहा कि अब उधर मत जाना, जहां माया हो वहां नहीं जाना चाहिए, तो अब उस घाट पे स्नान करने मत जाना, कल से किसी और घाट पे जाइए। चोरों ने मन में विचार किया कि इतना धन माल इसके घर में तो कुटिया में कुछ मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत मिलेगा, तो सीधा वहीं चलते हैं। तो वहीं जाकर के देखा तो घड़े मिल गए, और घड़ों का ढक्कन हटा के देखा तो उसमें सोना नहीं था। उनको क्या दिखा चोरों को कि सर्प और बिच्छू उनमें भरे हुए हैं। सर्प बिच्छू देख करके चोरों ने अनुमान लगाया कि अरे यही कुछ करके गए हैं, इनको पता होगा कि हम लोग यहां आए हैं तो हमको चोरों को सर्प से खिलवाना चाहते हैं, सर्प से डसवाना चाहते हैं, इसलिए हम यहां भेज दिया। अब ऐसा करो, इनके मुख बंद करो, इन घड़ों को उठा के ले चलो और ले जा करके उन्हीं की कुटिया में डालेंगे ताकि सर्प बिच्छू उन्हीं को काट लें। वो चोर सारे घड़े उठाए लेकर आए और कुटिया के पीछे से छप्पर को हटाया, वो तो ऐसी घास फूस की झोपड़ी कोई ऐसा तो था नहीं, छप्पर हटाया और मुख खोल करके जैसे ही वो उड़े ले तो वो सर्प बिच्छू नहीं, वो स्वर्ण की ढेरी लग गई। और तभी से एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध हो गई कि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये कहावत वहीं से शुरू हुई है, छप्पर फाड़ के। अब वो तो सोए हुए थे, उन्होंने देखा झरझर झरझर क्या बरस रहा है, तो स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लग गया। अरे बोले ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के दे दिया। फिर आपने उस धन को खूब साधु सेवा की, बड़े बड़े भंडारों का आयोजन किया और 3 दिन में ही वो सारा धन लुटा दिया। एक बार पीपाजी जो है श्री अनंतानंद स्वामी जी के यहां पधारे तो उनके शिष्य श्री रंग जी, अनंतानंद जी के शिष्य थे पंकज जी रंग जी, और वो जो है मानसी सेवा कर रहे थे। पीपाजी बाहर आए तो उन्हें लगा कि संत ध्यान में है तो चलो कोई बात नहीं, इनका ध्यान हो जाएगा, पूरा पूजन हो जाएगी मानसी, उसके बाद मिलेंगे। पीपाजी बाहर आके ठहर गए। अब मानसी सेवा में श्री रंग जी क्या कर रहे थे कि ठाकुर जी को पुष्पमाला मानसी में पहना रहे थे, ठाकुर नहीं मानसी सेवा मन से, और वो माला पहना रहे थे तो वो माला छोटी थी और ठाकुर जी के मुकुट में फंस रही थी। तो वो पीपा जी ने अनुमान वहां देख लिया सब, अब सेवा तो मानसी है, जैसे नाभा जी ने गुरु जी की सेवा देख ली थी। और पीपा जी ने बाहर से आवाज लगाई कि माला की गठान खोल दो जिससे माला सहजता से चली जाएगी। अब उस समय तो उन्होंने गठान खोल के पहना दिया, पर एकदम ध्यान आया कि कौन बोला। बाहर निकल के आए तो पीपा जी बैठे, प्रणाम किया, बोले आप इतने सहजता से पधारे, हम तो सोचते थे पालकी लेकर आपको जाएंगे, आदर से लेके आएंगे, इतना सम्मान करेंगे, आप तो ऐसे ही चले आए, और आपको इसे कैसे पता चल गया कि मैं मानसी में माला पहना रहा हूं। बोले जिन प्रिया प्रियतम को तुम माला धारण करा रहे हो उन्हीं की कृपा है कि हृदय में ये सब प्रकाश हो रहा है। फिर तो रंग जी की तो बड़ी इच्छा थी कि आपकी अगवानी करी जाए, तो वो कहा कि आप बगीचे में पधारिए, मैं वहां से आपकी सेवा करते हुए लाऊंगा। फिर आप बहुत आग्रह के बाद बगीचे में गए, पालकी तो स्वीकार नहीं की, बोले पालकी में तो हमारे गुरुजी बिराजेंगे। तो गुरुजी का एक विग्रह तस्वीर पालकी में बिठा ली और आप पैदल पैदल चल करके आए हैं। इस तरह से बड़े दिव्य चरित्र श्री पीपाजी महाराज के हैं। बोले संत श्री पीपाजी महाराज की, श्री सीता सहचरी की, ऐसे दिव्यात दिव्य चरित्र श्री पीपाजी के हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष कई बार ठाकुर जी का दर्शन किया और खूब अपनी भक्ति का प्रचार किया है।